ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के सुरेश लम्बाते ने आज दारुल फला मस्जिद के पास कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कई लोगों को बिना लाइसेंस तीन सीट पर बाइक चलाने और ऑटो रिक्शे वालों पर कार्रवाई की गई है। जिसके पास लाइसेंस बैच नहीं है उन ऑटो रिक्शा वालों पर भी कार्रवाई की गई। दीवा में मुंब्रा देवी कॉलोनी पर रिक्शा चालक राजकुमार ने आर्केड बिल्डिंग के पास 25 वर्षीय युवक निखिल मोरे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक को मुंब्रा देवी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मार्ग पर कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर ट्रैफिक विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। रिक्शा चालक और बाइक चालकों पर कार्रवाई करने की अब ज़रूरत है। रस्ता क्रॉस केल्या त्यांनी सायकल घेऊन आले आणि इतर त्यांना रिक्षावाल्यांनी धडक दिली आणि रिक्षावाल्यांनी धडक दिल्यानंतर ते खूप मार लागला, मुखाला वगैरे मार लागला, हाताला मार लागला, ते बेशुद्ध झाले तिथे। हाताला वगैरे मार लागल्यामुळे त्यांना दवाखान्यात लगेच घेऊन आले। डॉक्टर पायल तड़वी और अलीगढ़ की टप्पल की 2.5 साल की मासूम गुड़िया ट्विंकल शर्मा की मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास अंबेडकर चौक पर एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं और संघर्ष महिला संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में महिलाएं उपस्थित रहीं, सभी मोमबत्तियां जलाकर इंसाफ की मांग की है। सारे नगर सेवक, सारे पदाधिकारी, इनकी तरफ से आज एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी गई है डॉक्टर पायल तड़वी और ट्विंकल शर्मा को। और इस तरह के जघन्य अपराध हमेशा होते हैं, हमेशा हम यहाँ पे मोमबत्ती लगाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कभी ना कभी ये आवाज़ उन लोगों के कानों तक तो पहुँचेगी जो इस तरह के जुल्म करने से बाज नहीं आते। और मैं एक नागरिक, एक इंसान और एक औरत के नाते इन सारे अपराधों का बहुत ज़ोर शोर से निषेध करती हूँ और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मुंबई पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों शहर में सैकड़ों जगह पर हाथ साफ कर चुके हैं। ये दोनों आरोपी ठाणे में डकैती करते हुए पकड़े गए हैं। इनके पास से पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। इनका अगला टारगेट वापी में ज्वेलर्स की दुकानें थीं, मगर वहाँ चोरी करने से पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यादे सलार ए मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद में बीजेपी की सीट भले ही ज़्यादा आई हो, मगर कांग्रेस को भी लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसमें 64 से 65 लाख वोट मुस्लिमों के हैं। ओवैसी ने कहा, हमें इस बात का अफसोस जरा भी नहीं है, हमारी भी बहुत सी सीटें आई हैं, मैं सांसद में अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाता रहूंगा। ताने मारते थे, अब जब 2 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि तुम्हारे दिलो दिमाग में दर्द होगा। हम हिंदुस्तान की लोकसभा में जाएंगे तो वहां पर इसलिए जाएंगे ताकि गरीब और मजलूमों के जो सवालात हैं हुकूमत के सामने रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब मुझे नहीं मालूम कि दूसरे अपोजिशन क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं अपनी जमात की तरफ से तयकुन देता हूं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।